हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से, आप लोग जो है जनता जीता के भेज दिया, आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं, जो करना है मरवा दीजिए हम लोगों को भी, आप लोग पूरा राज ले लीजिए, आप लोग जो है सो बीजेपी वाला, दूसरे को यहाँ जीने का हक नहीं है। नहीं सर, भाई किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, सबको फांसी का सजा मिलना चाहिए, एक एक को सबको मिलना चाहिए, किसी को नहीं छोड़िएगा। आज भी लाश आ रहा है पटना से, एक मेरा भतीजा की, हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से, आप लोग जो है जनता जीता के भेज दिया, आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं, जो करना है मरवा दीजिए हम लोगों को भी, आप लोग पूरा राज ले लीजिए, आप लोग जो है सो बीजेपी वाला, बैठ करके देखे और मेरे बाल बच्चा को सब जो है सो एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसे भूजता है वैसे भूज के चला गया, ये कहाँ का आतंक ही आ गया। विधायक जी आप जवाब दीजिए ना, कहाँ से आतंकी आप लोग पोस के रखे हैं जिला में, जो इस ढंग के जो है भर्ग मसलम तो रहे हैं, क्रिमिनल गुंडा पाल रहे हैं, लूटो मारो काटो, प्रशासन मेरे हाथ में, हम हिलने नहीं देंगे, इससे अन्याय क्या की करवाइएगा आप लोग। और ये टोटल बीजेपी वाले के जो है सब पूरा चाल से ये सब हुआ है, हम घुलियाम कहते हैं कोई चोरा के नहीं, हम तो चाहते हैं जो आप मुझे भी गोली मरवा दो, हम जिंदा किस चीज के लिए रहेंगे, मेरे जैसा पति कौन है इस पृथ्वी पर जिसका बेटा चल चल छूट चला गया सामने से, वीर सब चला गया और बाप पति यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा अभी तक, ये भगवान भी का साला छुपा हुआ है। कोई देखने वाला नहीं है, सब बोला बेटी का शादी कर।